हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। आज हम करेंगे हिंदी साहित्य का, कक्षा 12 की हिंदी साहित्य का परीक्षा 2024 के लिए मॉडल पेपर्स कंप्लीट आपके बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से ये बनाया हुआ है। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे इसके लघुतरात्मक प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं, लघुतरात्मक प्रश्न हम देखेंगे। इसमें हमने पहले इसके जो गद्यांश और पद्यांश है उनको हमने देख चुके हैं, और पद्यांश जो कुछ रह गए थे, प्रश्न रह गए थे, तो उसको अपन देख लेंगे, लेकिन बाद में पहले लघुतरात्मक प्रश्न देखते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे इसके जो है वो पद्यांश के जो प्रश्न है बच्चों वो देखेंगे। तो देखो यहाँ से शुरू करते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न भी हैं, साथ ही साथ इसके लघुतरात्मक प्रश्न भी है। जैसा आपके बोर्ड के एग्जाम में जो पैटर्न आने वाला है उस पैटर्न के हिसाब से कंप्लीट हम तैयारी करेंगे, और मैं आपको इसे एक्सप्लेन भी करूँगा कि किस तरीके से ये आपको जो है वो एग्ज़ाम में लिखना है। छः आपके प्रश्न आएंगे, छः प्रश्न आपके जो बच्चों आएंगे वो आएंगे रिक्त स्थान वाले, है ना। ये रिक्त स्थान वाले आपके टोटल छः प्रश्न आएंगे। तो ये जो छह प्रश्न आएंगे रिक्त स्थान वाले, उसमें देखो पहला क्या है कि चित्त के विस्तार रूप दीप तत्व का जनक गुण होता है। तो हमने देखा था कि जो काव्य के गुण होते हैं, तीन प्रकार के काव्य के गुण होते हैं। एक होता है माधुर्य गुण, एक होता है माधुर्य गुण। माधुर्य गुण यानी कि हृदय में जहाँ मधुरता का भाव उत्पन्न होता है वो माधुर्य गुण। दूसरा होता है प्रसाद गुण, जो काव्य जहाँ सहज पढ़ते ही हमें जिसका अर्थ समझ में आ जाए वो प्रसाद गुण। और तीसरा होता है ओज गुण। ओज गुण में क्या होता है कि जहाँ हृदय में वीरता का, उत्साह का भाव, वीरता का भाव जो उत्पन्न होता है तो वहाँ पे ओज गुण होता है। तो क्या कहा है कि चित्त के विस्तार रूप दीप तत्व का जनक वो ओज गुण कहलाता है। तो यहाँ पे बच्चों आपको लिखना है ओज, ठीक है। परीक्षा में आपको इस तरीके से लिखना है, और परीक्षा में देखो कैसे लिखना है कि जब आपको प्रश्न दूसरा आएगा तो दूसरे प्रश्न में आपको प्रश्न नहीं लिखना है, खाली ऐसे लिख देना कि भाई प्रश्न संख्या हमारा 2, और 2 को इसको खाली छोड़ देना। फिर यहाँ पे जैसे पहला है तो पहले का आपको लिखना है ओज गुण, ठीक है ना, ओज गुण। तो इस तरीके से आप लिख दीजिएगा, पूरा प्रश्न आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस खाली शॉर्ट में एक लिखा ओज गुण, फिर आपने दूसरा लिखा, दूसरे का जो आंसर है वो यहाँ लिखना, फिर तीसरा लिखा, तीसरे का जो आंसर है वो यहाँ लिखना है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, अगला प्रश्न है कि जहाँ किसी शब्द का अर्थ तुरंत समझने में कठिनाई हो वहाँ पर कौन सा दोष होता है। तो काव्य के जो दोष होते हैं उसमें कई प्रकार के दोष होते हैं, जैसे कि ग्राम्यत्व दोष है, क्लिष्टत्व दोष है, अधिक पदत्व दोष है, न्यून पदत्व दोष है। तो अलग अलग जो है कठिनाइयों के हिसाब से इन दोषों का नाम दिया गया है। यहाँ पे कहा गया कि जहाँ किसी शब्द का अर्थ तुरंत समझने में कठिनाई हो, तो बच्चों तुरंत समझ में कहाँ नहीं आएगा, जहाँ पे शब्द क्लिष्ट होगा। क्लिष्टत्व का मतलब होता है जहाँ शब्द बड़ा जटिल होगा। तो जो जटिल शब्द है, जो कठिन शब्द है ना, कठिन शब्द है, उसका अर्थ हमें ठीक से जल्दी समझ में नहीं आएगा, तो वहाँ पर जो है वो होता है क्लिष्टत्व दोष। तो आपको लिखना है इस प्रकार के प्रश्न में उसका उत्तर क्लिष्टत्व दोष रहेगा। नेक्स्ट हमारा अगला है, तीसरा प्रश्न है बच्चों, तीसरा प्रश्न है कि वंशस्थ छंद के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं। तो हमने देखो छंद पैसे पढ़े थे पहले, और प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, इस वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिलेगा, वहाँ पे आप इसे पढ़ सकते हैं। एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो वंशस्थ छंद है ना, छंद हम पढ़ेंगे अलग से, पूरा टॉपिक भी पढ़ेंगे। तो वंशस्थ छंद जो है ये एक वर्णिक छंद है बच्चों, ये एक वर्णिक छंद है। और वर्णिक छंद में क्या होता है कि वर्णों की मात्रा के आधार पर छंदों की रचना की जाती है। इसमें हम वर्णों की संख्या, मात्रा नहीं, वर्णों की संख्या का ध्यान देते हैं। दो प्रकार के छंद होते हैं, एक मात्रिक छंद है, एक वर्णिक छंद है। और मात्रिक और वर्णिक में फिर तीन तीन प्रकार के हैं, सम मात्रिक विषम मात्रिक और अर्ध सम मात्रिक। इसी प्रकार वर्णिक छंद भी तीन होते हैं, समवर्णिक, अर्ध समवर्णिक और विषम वर्णिक। तो ये जो है ना वंशस्थ, ये एक वर्णिक छंद है, और इसमें प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं। तो प्रत्येक चरण में कितने, प्रत्येक चरण का मतलब होता है प्रत्येक पंक्ति में, इसे पद भी कहते हैं। तो प्रत्येक पद में या प्रत्येक पंक्ति में
प्रत्येक पंक्ति में 12-12 वर्ण होते हैं, इसलिए यहाँ पे ये एक वर्णिक छंद है। नेक्स्ट है अगला बच्चों, चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में ये कहा गया है कि मदिरा सवैया के प्रत्येक चरण में वर्ण कितने होते हैं। तो ये जो मदिरा सवैया, ये भी एक छंद है और इसमें भी क्या होता है कि ये भी एक वर्णिक छंद है, ठीक है, ये भी एक वर्णिक छंद होता है। वर्णिक छंद में मैंने बताया आपको कि छंद की रचना करते समय वर्णों की संख्या निश्चित रहती है, अलग अलग प्रकार के छंदों में अलग अलग वर्णों की संख्या रहती है। अगर मात्रिक छंद है तो वहां पर मात्राओं की संख्या निश्चित रहती है और मात्राओं को एक दो के आधार पर गिना जाता है। मैं उसे जटिल आपको पूरा अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो मदिरा सवैया होता है, इस मदिरा सवैया के प्रत्येक चरण में भी 22 वर्ण होते हैं। बच्चों याद रखना, इसी तरीके से परीक्षा में पूछा जाएगा। और ये आपका जो काव्यांश वाला भाग है, ये जो आपका काव्यांश वाला जो भाग है, इसी काव्यांश वाले भाग में से बच्चों आपके 6 रिक्त स्थान वाले प्रश्न पूछे जाएंगे और एक आपका पूछा जाएगा लघुतरात्मक प्रश्न, ठीक है, लघुतरात्मक जो कि 2 नंबर का रहेगा। तो 6 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके काव्यांश वाले भाग में से, और काव्यांश में एक आपका छंद है, दूसरा आपका अलंकार है और तीसरा आपका गुण, काव्य गुण और काव्य दोष है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। देखो नेक्स्ट अगला क्या है कि मानवता के जीवन श्रम से हंसे दिशाएं। अब यह दिशाओं के हंसने की बात हुई है, तो दिशाएं जो है ना, दिशाएं कभी हंसती नहीं है, लेकिन यहाँ पे कवि ने दिशाओं को हंसते हुए दिखाया गया, यानी कि इसमें मानवीय भावों का आरोपण किया गया है। तो पंक्ति में अलंकार कौन सा है, तो बच्चों यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। क्यों होता है कि किसी अमूर्त चीजों में जब मानवीय भावों को आरोपित कर दिया जाए तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो दिशाओं को हंसते हुए कवि यहाँ पे दिखा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। तो ये अलंकार वाला टॉपिक, छंद, अलंकार और आपके काव्य गुण और काव्य दोष, ये आपके काव्यांश में आते हैं और इस काव्यांश वाले भाग में से 6 आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं छठा प्रश्न है। छठे प्रश्न में लिखा है कि संक्षिप्त उक्ति द्वारा प्रस्तुत और अप्रस्तुत का बोध जहां एक साथ होता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है। तो बच्चों वहां पर आपको लिखना है समासोक्ति अलंकार होता है। संक्षिप्त उक्ति मतलब कि कम शब्दों में प्रस्तुत, यानी जो हमारे सामने है, और अप्रस्तुत, जो प्रस्तुत है उसके आधार पर हमें जो हमारे सामने नहीं है, उन दोनों का अर्थ का बोध हो जाता है। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे समासोक्ति अलंकार होता है। अलंकार हम कंप्लीट पढ़ेंगे, आपको सारी चीजें समझा दूंगा मैं। तो देखो ये हमने क्या किया है, रिक्त स्थान वाले प्रश्न हुए हैं। अब हमारा नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, और तीसरा जो प्रश्न है बच्चों इसमें क्या लिखा हुआ है, तीसरा जो प्रश्न है इसमें लिखा है कि निम्नलिखित लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपके क्या होगा कि अति लघुतरात्मक प्रश्न है, ठीक है, निम्नलिखित अति लघु, लेकिन ये अति लघुतरात्मक नहीं रहेंगे, ये लघुतरात्मक प्रश्न रहेंगे आपके, ये लघुतरात्मक प्रश्न रहेंगे, उत्तर दीजिए। और प्रत्येक प्रश्न इसकी जो शब्द सीमा रहेगी वो आपके 20 शब्द है, या आपके यहाँ पे लघुतरात्मक है तो 40 शब्द हो जाएंगे। तो 40 शब्दों में आपको देना है जवाब। पहला प्रश्न क्या है कि अनुप्रास अलंकार से युक्त कोई एक मौलिक उदाहरण दीजिए। तो अनुप्रास अलंकार सबसे प्रसिद्ध अलंकार, बिल्कुल इजी अलंकार है, और इसकी परिभाषा और इसका उदाहरण आपको लिखना है। तो परिभाषा में तो क्या होता है, सबको पता होता है कि जहां काव्य में किसी वर्ण की अगर आवृत्ति हो रही है, है ना, काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति हो रही है, वर्ण का मतलब एक अक्षर जो होता है उसकी, अगर उसका रिपीटेशन हो रहा है, अगर बार बार वो आ रहा है उस पंक्ति में, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब इसके भी 4 भेद हैं अलग अलग, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो उदाहरण आपको देना है। तो बच्चों यहां पे देखो, पहले तो आपने लिखा उत्तर और फिर आप लिखेंगे यहां पे उदाहरण, और उदाहरण करके लिखना है कि भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। तो यहां पे देखो भ वर्ण जो है, ये भ वर्ण की आवृत्ति हो रही है, भ वर्ण बार बार आ रहा है, तो भ वर्ण की आवृत्ति के कारण ये हो गया अनुप्रास अलंकार। एक और उदाहरण है कि तरणी तटुजा तट तमाल तरवर बहुचाए, ठीक है, तो तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुचाए। अब यहां पर मैंने बहु ने लिखा, तो तरवर बहुचाए। अब आपको क्या करना है कि दोनों में से कोई एक लिखना, ध्यान रखना, ये तो दोनों मैंने आपके याद रखने के लिए कि इजी उदाहरण है, आपको जल्दी से याद हो जाएंगे, इसलिए मैंने 2 उदाहरण दिए, इसमें से कोई एक आपको लिखना है परीक्षा में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला है दूसरा प्रश्न, और बच्चों दूसरे प्रश्न में देखो क्या लिखा है,
कि दृष्टांत अलंकार का कोई एक उदाहरण दीजिए। अब पहले तो समझिए कि दृष्टांत अलंकार होता क्या है, किसे कहते हैं दृष्टांत अलंकार। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जहाँ उपमेय और उपमान के साधारण धर्म में, दोनों का साधारण धर्म से तात्पर्य होता है दोनों की जो कॉमन चीज है ना, जो कॉमन है दोनों में, वो कहलाता है साधारण धर्म। तो जिन दोनों में जो भाव, मतलब जिसकी तुलना की जा रही है वो कॉमन चीज हो जाएगी, में बिंब प्रतिबिंब का भाव दिखाया जाए तो वहां पे दृष्टांत अलंकार होता है। देखो उदाहरण अलंकार अलग होता है, दृष्टांत अलंकार अलग होता है। अब इसका अगर आपको उदाहरण देना है तो यहाँ पे आप लिखेंगे उदाहरण, और इस दृष्टांत अलंकार का एक एग्जाम्पल लिखेंगे कि पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू ढालते। तो ये एक उदाहरण हो गया, ठीक है, एक उदाहरण हो गया। और इसका अगला अथवा करके आप दूसरा भी अगर लिखना चाहो बच्चों, तो इसका दूसरा भी आप लिख सकते हो कि बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोए, रहीमन फाटे दूध को मथिन माखन होए। तो क्या कहते हैं, मतलब एक बात को समझाने के लिए दूसरी बात प्रस्तुत करिए कि रहीमदास जी क्या कहते हैं कि अगर कोई बात बिगड़ जाती है ना, अगर कोई रिश्ते खराब हो जाते हैं तो लाख प्रयत्न करने के बाद भी वो पहले जैसी स्थिति में नहीं आते। जैसे कि दूध अगर फट गया तो फटे हुए दूध से मक्खन नहीं निकाल सकते हम, ठीक है। और इसी तरीके से क्या कहा है कि पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, देखो भयंकर भेड़िया भी आज आंसू ढालते। तो जो भयंकर भेड़िया होता है, भेड़िया कितना खूंखार होता है, वो कभी आंसू, क्योंकि उसे दया नहीं आती, वो कभी आंसू नहीं आते उसकी आंखों में। आंसू कब आते हैं जब दया होती है, लेकिन कई बार भेड़िए भी आंसू निकाल देते हैं, बड़े चालाक होते हैं, बड़े बदमाश होते हैं, तो दिखाने के लिए। इसी प्रकार जो पापी मनुष्य होते हैं वो भी भगवान का नाम ले रहे हैं, जबकि पापी मनुष्य कभी भगवान का नाम, राम का नाम नहीं लेते। तो एक बात को समझाने के लिए दूसरा उदाहरण दिया है, तो इसे कहते हैं यहाँ पे दृष्टांत अलंकार। उपमेय और उपमान थोड़ा सा आप समझिए, उपमेय क्या होता है कि जिसकी तुलना की जाए, है ना, जिसकी तुलना की जाए, और उपमान होता है जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, ठीक है, तो जिससे तुलना की जाए। तो बच्चों ये हमने कुछ प्रश्न किए हैं, बाकी जो नेक्स्ट हमारा जैसे बीट रिपोर्टिंग क्या होता है, तो चूंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही जल्दी इस क्लास को अपन कंटिन्यू करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हमारा ऐप है एजुकेशन राइज नाम से, एजुकेशन राइज, और ये जो एजुकेशन राइज ऐप है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आप डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे कंप्लीट कोर्सेज हमने बनाए हैं क्लास 12th के लिए, हिंदी कंपलसरी, हिंदी ऑप्शनल, इंग्लिश कंपलसरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इन सब के कोर्सेज में आपको चैप्टर वाइज PDF में नोट्स मिलेंगे। उसके अलावा सारे के सारे वीडियोज़ मिलेंगे, MCQs मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा। ऑनलाइन टेस्ट में क्या होता है कि जितना आप क्वेश्चन वहाँ पे दिए हुए हैं उसमें से आप जैसे ही टेस्ट कंप्लीट करके सबमिट करोगे तो आपको हाथों रिजल्ट मिलेगा कि कुल में से कितने अंक आपने प्राप्त किए हैं, कुल जितने क्वेश्चंस थे उसमें से कितने आपने अटेंड किए हैं, कितने आपने खाली छोड़ दिए हैं, जो गलत हुआ उसका राइट आंसर क्या है, ये सारी चीजें हमारे ऑनलाइन टेस्ट में आपको मिल जाएगी। तो ऑनलाइन टेस्ट आप वहां पे दे सकते हैं, और इसके अलावा MCQs, क्वेश्चन आंसर सारे के सारे मिलेंगे वहां पे आपको। व्याकरण, हिंदी की व्याकरण मिलेगी, और इंग्लिश की कंप्लीट जो है वो ग्रामर, तो इंग्लिश की कंप्लीट ग्रामर भी आपको बच्चों वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट है वो भी सारे मिलेंगे। और एवरीडे हमारी लाइव क्लास होती है बच्चों शाम को 8:30 बजे, है ना, 8 PM पे आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एक नंबर है, उस नंबर पर आप मैसेज करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और हमारा व्हाट्सएप चैनल अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा नंबर लिख दीजिए बच्चों 9079622989। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको वहाँ पे जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको मैं जो है वो लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय, धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई क्लास के साथ, तब तक के बाय।